जय हिंद, नमस्कार, सलाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी 2023 और 24 के सेशन के सीट्स को लेकर इन्फॉर्मेशन आई है वेबसाइट पर, उसी के संबंध में ये वीडियो आपको प्राप्त हो रहा होगा। फॉर्म भरने की डेट आपको बता दी गई है, नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो भी आपको बता दिए और समझाने का प्रयास किया गया था लास्ट वाले वीडियो में। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, उसको जाकर चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, आपको कुछ जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। दूसरी चीज़, किस कैटेगरी के बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना है और किस कैटेगरी के बच्चों को एग्ज़ाम देना है, उसकी जानकारी भी लास्ट वीडियो में दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में की जानकारियाँ पहले दी जा चुकी है और कौन सी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, वो भी आपको बताया जा चुका है। जो जानकारी अभी तक नहीं आई थी वेबसाइट पर, वो है कि पीएचडी के किस विभाग में कितनी सीटें हैं, उसको लेकर अब जानकारी आई है वेबसाइट पर 2-3 दिन पहले, तो उसी की सूचना इस वीडियो में आपको मिलेगी। 23 और 24 का सत्र है, उसकी सीट बताने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि 22 और 23 के सत्र के जो पीएचडी के फॉर्म निकाले थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, उसकी अभी तक प्रवेश परीक्षा नहीं हुई है। उसी को लेकर 2 अपडेट आए हैं। पहली चीज़ कि अभी तक एडमिट कार्ड और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर 22 और 23 के सेशन की कोई अपडेट नहीं है वेबसाइट पर। दूसरी चीज़, पीएचडी की सीटों में परिवर्तन किया गया है, पीएचडी की सीटों में परिवर्तन किया गया है। पहले कितनी सीट थी, लगभग 1300 प्लस थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है और भी ज़्यादा, है ना। अब उन सीट को 1400 प्लस कर दिया गया, यानी कि लगभग 100-125 सीटों की फिर से हुई है बढ़ोतरी। किस विभाग में सीटों की बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए आपको जब पीएचडी 22 और 23 के सेशन के वीडियो आए थे, इसका वीडियो हमने बनाया भी था पीएचडी के फॉर्म का, उस वीडियो को देखिएगा। उसके वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, पीडीएफ फाइल का लिंक मिलेगा, सीटों का विवरण वहाँ मिल जाएगा। और जो नया वाला सीटों का विवरण है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। दोनों पीडीएफ फाइल के को खोल कर सामने रखिएगा और देखिएगा किस डिपार्टमेंट में सीटों को बढ़ाया गया है और क्या आपके डिपार्टमेंट की सीटें बढ़ाई गई हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब जो आपके काम की बात है, जिन्होंने पीएचडी 22 और 23 के सेशन का फॉर्म भरा था, वो बच्चे चाहें तो इस नए वाले फॉर्म को भी भर सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको दोनों ही सत्रों की अलग अलग प्रवेश परीक्षा देनी होगी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो, ठीक है। ऐसा कोई नियम है नहीं कि अगर आपने 22 और 23 के सत्र का फॉर्म भरा था तो आप इस वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यह आपकी अपनी चॉइस है। अब बात करेंगे सीटों की, 23 और 24 के सत्र में किस विभाग में कितनी सीटें आई हैं उसकी हम बात करेंगे। लगभग 700 के आसपास सीटें आई हैं इस नए सत्र में, ठीक है। लास्ट सत्र में लगभग 1400 सीटें हैं और इस सत्र में लगभग 700 सीटें हैं। तो ये 2100 सीटों पर इंटरव्यू क्या एक साथ होगा, एंट्रेंस कब तक होगा, कोई अपडेट नहीं है इस विषय में। जो अपडेट है उसको आप ध्यान से सुनिए, 3 मिनट लगभग हो गया है, अब सीटों का विवरण सुन लीजिए। कैमरे को कम देख पाऊंगा, स्क्रीन को ज़रा देखना होगा, क्योंकि सीटों की संख्या बतानी है। पीएचडी एग्री इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट 1, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 6, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी 3, प्लांट पैथोलॉजी 2, फाइन आर्ट्स 5, इंग्लिश 19, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग 9, पंजाबी बंगाली तेलुगु और मराठी, पंजाबी बंगाली तेलुगु और मराठी, इसमें केवल एक एक सीट आई। पर्शियन 4, अरबिक 6, लिंग्विस्टिक 6, हिंदी 15। तो रुकते हैं, आपको बताते हैं एक बात और कि ये जो मैं सीटें आपको बता रहा हूँ, इसमें जर्नल प्लस पीडब्ल्यूडी दोनों ही कैटेगरी की सीटें इसमें मर्ज करी गई हैं और सभी डिपार्टमेंट में पीएचडी की सीटें नहीं, पीडब्ल्यूडी की सीटें नहीं आई हैं, कुछ ही डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यू की सीटें आई हैं, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। हिंदी में 15 सीटें हैं, फिलॉसफी में 1 सीट है और ये 1 सीट केवल पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। संस्कृत में 3, उर्दू में 16, पुरानिक स्टडी जो कुरान ग्रंथ होता है इस्लामिक स्टडीज़ में मुसलमानों का, उसका पवित्र ग्रंथ, उसके विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें 4 सीट है, ठीक है। कॉमर्स में 29 सीट है, 33, अप्लाइड फिजिक्स में 13, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 17, सिविल इंजीनियरिंग 21, अप्लाइड केमिस्ट्री में 10, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 63, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 63, 63 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग 5, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 22, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 21,
अप्लाइड मैथमेटिक्स 13, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 14 सीटें हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में 2, बायोमेडिकल सिंगल प्रोसेसिंग में 2, आर्किटेक्चर में 13, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इसमें 2 सीटें, वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ इसमें 2 सीटें हैं, फ्रेंच स्टडीज़ में 3, रशियन में 3 और स्पेनिश में 5 सीटें हैं। लॉ डिपार्टमेंट में 16 सीटें हैं, 1 सीट पीडब्ल्यूडी की है। वाइल्ड लाइफ साइंस में 7 हैं सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 6, बॉटनी में 14, जूलॉजी में 19, बायोटेक्नोलॉजी में 9, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 5, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये जो पहला वाला बायोकेमिस्ट्री है ये लाइफ साइंस के अंतर्गत है, जो दूसरा वाला बायोकेमिस्ट्री है ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में है स्पेशलाइजेशन के तौर पर, PhD इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसमें 2 सीट है। न्यूरो साइंस में 1, सो ये साइंस फैकल्टी प्रॉपरली इसके अंदर आते हैं। फिजिक्स में 16, जियोलॉजी में 12, कंप्यूटर साइंस में 8, मैथमेटिक्स में 12, केमिस्ट्री में 19, ज्योग्राफी में 21, स्टैटिक्स में 4, ऑपरेशनल रिसर्च में 2, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन में 1, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 2। सोशल साइंस फैकल्टी के अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं, अच्छी खासी सीटें हैं, उसको भी सुन लीजिए। मेरा फेवरेट साइकोलॉजी में 7, हिस्ट्री में 21, इस्लामिक स्टडीज़ में 9, पॉलिटिकल साइंस में 12, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7, ह्यूमन राइट्स में 5, एजुकेशन में 21, इकोनॉमिक्स में 17, फिजिकल एजुकेशन में 12 और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 14, सोशल वर्क में 1, वुमेन स्टडीज़ में 3, मास कम्युनिकेशन में 2, सिया थियोलॉजी में 4, सुन्नी थियोलॉजी में 11। ये टोटल सीटें हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 23 और 24 के सत्र PhD के फॉर्म की। लास्ट डेट है 4 नवंबर, अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, ये क्योंकि अरे नहीं 4 नवंबर लास्ट डेट नहीं है, ये थोड़ा चेंज करा गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, अगर लेट फीस के साथ 6 नवंबर है, ठीक है ना, तो लेट फीस से बचिएगा, 6 नवंबर से 31 अक्टूबर तक ही फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो आपको 300 रुपये और देने पड़ेंगे। और वीडियो के पुराने भाग को ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें और जानकारी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, जो वीडियो के स्टार्टिंग के 2 मिनट में आपको बताया गया था। आपके पास वीडियो को सुनने के बाद समझने में कोई तकलीफ हो कमेंट करके पूछिएगा, कुछ शिकायत सलाह हो मेरे से मेरे चैनल से उसको भी दर्ज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, कोई और सूचना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिबेट्स को लेकर, पार्लियामेंट्री डिबेट्स को लेकर कुछ वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, और वीडियो मिलेगा आने वाले समय में डिबेट्स और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में अपने आप की सहभागिता दर्ज कराइए, और देश में एक सामान्य और सभ्य नागरिक होने के नाते यह आपका परम कर्तव्य भी बनता है कि देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में अपना योगदान दें, एक विद्यार्थी शोधार्थी के रूप में वाद विवाद जैसी परंपराओं में प्रतिभागी होकर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, दुआ सलाम।